अब आता है जेआरई, फुल फॉर्म बताइए जेआरई का, व्हाट डज जेआरई स्टैंड फॉर? जेआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ओके, जेआरई के अंदर क्या क्या होता है? जेआरई के दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बताइए, जेआरई के दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बताइए, जेवीएम और नहीं 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 इंटरप्रेटर तो जेवीएम के अंदर ही होता है ना तरुण, इंटरप्रेटर तो जेवीएम का ही पार्ट हुआ। यस, लाइब्रेरीज। जेआरई के दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, जेवीएम एज वेल एज लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी समझते हैं, लाइब्रेरी वर्ड का मतलब समझते हैं, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड्स, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड्स। अरे आपने सी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बताओ? अगर आपने सी पढ़ी है तो प्रिंटर यूज कराए कि नहीं कराए? प्रिंटर को क्या बुलाते हैं अपन? लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से नहीं बुलाते प्रिंटर को? तो प्रिंटर आप बनाते हैं कि सी आपको बना के देती है? प्रिंटर आप बनाते हैं कि सी आपको बना के देती है? सी ने दिया है ना, आप थोड़ी बनाते हैं प्रिंटर, आप तो उसे कॉल करते हैं प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। जैसे सी में क्या होता है, स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो सी में क्या यूज करते हो आप? स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो सी में क्या यूज करते हो आप? प्रिंटर। ऐसे आप पढ़ेंगे, जावा के अंदर हम लोग यूज करते हैं प्रिंट एलएन, राइट? जैसे प्रिंटएफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ऐसे प्रिंटएलएन भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। जैसे प्रिंटएफ सी की लाइब्रेरी में है, ऐसे प्रिंटएलएन जावा की लाइब्रेरी में है। और जावा की लाइब्रेरी किसके अंदर है? जावा की लाइब्रेरी किसके अंदर है? जावा की लाइब्रेरी जेआरई के अंदर है, राइट? तो जब आप कोड लिखते हैं तो जितने भी फंक्शन और क्लासेस आप अपने कोड में यूज करते हैं वो आपको जहां से सप्लाई होती है, दैट इज जेआरई विच स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ओके, जेआरई अलग से डाउनलोड हो जाएगा? जेआरई अलग से डाउनलोड हो जाएगा? यस, डेफिनेटली जेआरई अलग से डाउनलोड हो जाएगा। अगर मुझे जावा में प्रोग्राम बनाकर कंपाइल नहीं करना है, सिर्फ रन करना है, तो मुझे अपने कंप्यूटर में चाहिएगा सिर्फ जेआरई। तो मैंने आपको डे वन पे कहा था कि जो आपका कस्टमर होगा, जो आपसे सॉफ्टवेयर परचेज करेगा, उसको आपको कंप्लीट जावा डाउनलोड करने को नहीं बोलना है, उसको आपको बस इतना ही बोलना है कि वो अपने कंप्यूटर में डालकर रखकर जेआरई, और जेआरई आपके कोर्स को करवा देगा जेवीएम से एग्जीक्यूट। ओके।